इन ब्रशेस के साथ आप किसी भी तरीके का आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। मुझे कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। सो इस पैकेट के बैक में ना इसका प्राइस दिया हुआ ये है 2199 बट मुझे ये मिला है सिर्फ 999 का। सो अंदर से कुछ इस तरीके का बबल रैप टाइप का पैकेजिंग है। इसका पैकेट है जो ऊपर से दिख रहा है ऐसा, और अंदर बबल रैप का है। यहाँ पे बड़ा बड़ा दिया हुआ है ड्यू केयर एंड DF1535, ये ब्रशेस का नंबर है। ठीक है, तो इसे मैं अंदर से ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अंदर मुझे मिलते हैं कुछ इस तरीके के 15 ब्रशेस, एंड अंदर आपको कुछ इस तरीके का मैनुअल मिलता है। इसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरीके से कौन से ब्रश को यूज़ करना है। इससे पहले मैंने कई सारे ब्रशेस लिए हैं बट ऐसा मैनुअल किसी में नहीं मिला था मुझे। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली सारे ब्रशेस के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। सो 15 ब्रशेस हैं, एंड देन इसके अंदर मुझे ये एक्टिवेटेड कार्बन मिला है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ब्रश निकाल लिया है और आप देख सकते हो ये किस मजब ब्रश है, और इसके ब्रशेस और ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी हार्श नहीं है। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। और यहाँ पे इसके वॉन्ड पे दिया हुआ है ड्यू केयर, ठीक है, ब्रांड नेम है बट इसका कोई नंबर मेंशन नहीं किया गया है। मैंने और ब्रशेज से रिलेटेड देखे थे, उस पर कई जगह नंबर वगैरह मेंशन किए गए थे बट इस पर कुछ नहीं है। चलिए मैं अब आपको इसके सारे ब्रशेज ओपन करके दिखाती हूँ। इन ब्रशेस के साथ आप किसी भी तरीके का आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 15 मेकअप ब्रशेस, एंड आप देख सकते हो इसके अंदर आपको मिलेंगे आईलाइनर ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, पेंसिल ब्रश, हाइलाइटर ब्रश एंड स्मजिंग ब्रश। ठीक, सो चलिए मैं अब आपको इसके बारे में इंडिविजुअली बताती हूँ एक एक ब्रश के बारे में। सो आपको मिल रहे हैं कंसीलर और ब्लेंडिंग ब्रशेस। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है कंसीलर, तो उसके लिए भी यहाँ पे ब्रश दिया गया है। तो हमें सबसे पहले अपनी क्रीज पे अप्लाई करना होता है एक ट्रांजिशन शेड, एंड उसके लिए हमें एक बड़े ब्लेंडिंग ब्रशेस चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे आपको 4 ब्लेंडिंग पफी ब्रशेस मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये ब्लेंडिंग ब्रशेस बहुत ही कमाल के हैं। सी, मेकअप हैज़ नो सेट रूल्स बट देयर आर सम टेक्निक्स। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं आई मेकअप के लिए। सो ये है, आपको 4 पफी ब्रशेस मिल रहे हैं जिससे आप अपनी क्रीज पे कलर अप्लाई करते हैं, देन इन्हीं के साथ आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। सो ये ब्लेंडिंग ब्रशेस भी है। सो ये बिग ब्लेंडिंग ब्रशेस है। अब मैं आपको दिखाऊंगी सम स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेस। सो इन ब्रशेस के बिना तो आई मेकअप हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं वो आपके आई मेकअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट शेड अप्लाई होता है उसके लिए बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। इससे आप अपने स्मॉल एरियाज पे भी आईज के कलर प्लेस कर सकते हैं, उसे ब्लेंड कर सकते हैं, लाइनर को ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 स्मजर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पफी वाला स्मजर है। ठीक है, आप इससे अपने आईज के इनर कॉर्नर पर कलर प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इससे भी कर सकते हैं, इससे आप अपनी लोअर लैश लाइन पे कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये स्मॉल पेंसिल ब्रश है, इससे आप आई शेडो से लाइनर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लोअर लैश लाइन पे लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। सो ये ब्रशेज ना इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा आई मेकअप क्रिएट हो जाएगा। देन आपको ये 2 ब्रश मिलते हैं, एक से आप आईब्रोज कर सकते हैं और एक से आप अपना लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आईब्रोज
और लाइनर के लिए दो ब्रशेस दिए, स्मजर नहीं दिया हुआ है इसके अंदर आईब्रो के लिए, सो उस पूरी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। सो ये ब्रश ना मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, क्योंकि आपने एक बड़ा फ़ैन हाइलाइटर ब्रश देखा होगा, बट ये स्मॉल हाइलाइटर ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी सेपरेट कॉस्ट है 400 रुपीज़, मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया था और मैंने फ्लिपकार्ट पे भी सर्च किया था, तो ये मुझे 400, 350, 380 रुपीज़ के मिल रहे थे, बट मुझे ये 15 ब्रशेज़ के साथ मिला है। सो इस ब्रश के साथ अपने आप ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज वो जो पार्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाईलाइटर ब्रश है। आप इससे अपने फेस पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। एंड इन सारे ब्रशेस की जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 999, ठीक है। सो 999 रुपये में आपको प्रोफेशनल ब्रशेस मिल रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप ले जा सकते हो कहीं भी अभी अपने साथ, ठीक है। सो अगर आप एक मेकअप बिगनर हैं तो आपकी वैनिटी में ये वाले ब्रश ज़रूर होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सस्ते वाले मेकअप ब्रशेस होते हैं ना उनके साथ ये होता है कि हम ब्रशेस लेते हैं और आगे से वॉर निकल जाता है, साथ में जो उनके ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं उनमें ऐसे बड़े बड़े ब्लेंडिंग ब्रशेस तो मिल जाते हैं, वो 10 मेकअप ब्रशेस का सेट देखा है ना आपने उसमें मिलते हैं, बट इस तरीके के स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आपको नहीं मिलेंगे, कुछ इस तरीके के पेंसिल ब्रशेस, कुछ इस तरीके का आपको ब्रशेस नहीं मिलते हैं ईजिली, तो मुझे लगता है एक बहुत ही परफेक्ट ब्रश है। साथ में ये हाईलाइटर ब्रश ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रशेस हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक आई मेकअप लुक शेयर करूँगी इन ब्रशेस को यूज़ करने के साथ, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे लगता है मैंने सारी डिटेल आपको इन ब्रशेस के बारे में दे दी है, पसंद आया हो तो आप खरीद भी सकते हैं इन्हें, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं, आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगा एंड दोनों पे प्राइस रेट सेम है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।